नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से मैं आप सबका आपके अपने चैनल सिंप्लिसिटी एंड फाइनेंस में। मुझे पता है कि मैं लगभग 10 दिनों के बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ, बना रहा हूँ अभी इस समय, इसके बाद फिर ही मैं अपलोड करूँगा। इसके लिए दोस्तों मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कुछ पर्सनल फ्रंट पर कुछ चैलेंजेस आने की वजह से मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन मैंने जितने भी वीडियोस डाले हैं आई एम डैट श्योर कि अगर आपने उनको भी देखा होगा तो आपको बहुत फायदा हुआ होगा। और ये वीडियो बनाने की वजह ये है कि मैं आप लोगों को ये बता पाऊँ कि अगर आपके ऊपर डेट है देन दैट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, योर डेट शुड नॉट बी अ कॉज, इट शुड नॉट बी अ कॉज फॉर द एंड ऑफ योर लाइफ। कल मैंने एक खबर पढ़ी कि हमारे बॉलीवुड के एक आर्ट डायरेक्टर नितिन चंद्रकांत देसाई, जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्मों के सेट्स तैयार किए हैं, बाजीराव मस्तानी, हम दिल दे चुके सनम, कुछ इस तरह की टॉप लेवल की जो मूवीज हैं उसके लिए उन्होंने सेट्स तैयार किए थे, एंड ही कमिटेड सुसाइड। क्यों? सुनने में ऐसा आया है, अगर न्यूज़पेपर की रिपोर्ट को हम देखें और बाकी सोर्सेज को अगर हम देखें तो ऐसा सुनने में आया है कि उनके ऊपर लगभग एनीवेयर बिटवीन 180 to 200 crore का लोन था, 180 से 200 करोड़ के बीच का उनके ऊपर एक कर्ज था जो वो नहीं चुका पा रहे थे, और उनका एक बहुत बड़ा 59 एकड़ में बना हुआ एक स्टूडियो था जहाँ पर फिल्मों की शूटिंग होती थी, वो कहीं ना कहीं NCLT के थ्रू बेचा जा रहा था, नीलाम किया जा रहा था, ताकि जो भी लैंडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी लैंडिंग एजेंसीज हैं जिन्होंने उसको उनको लोन दे रखा था, वो रिकवर कर सके अपने पैसों को। एंड दिस स्टूडियो वॉज वेरी क्लोज टू हिज हार्ट, वो नहीं चाहते थे कि ये बिके, और फिर लगातार होने वाला प्रेशर उनका दैट मेड हिम कमिट सुसाइड, विच इज़ नॉट द राइट थिंग। आपकी ज़िंदगी 200 करोड़ से कहीं कीमती है, फिर कई लोग तो 5 लाख 10 लाख, बल्कि एक बार तो मैंने KBC पर देखा था कि किसी किसान ने सुसाइड कर लिया था, और जब उनकी वाइफ से पूछा गया था, वो आई थी KBC पर, जब उनसे ये पूछा गया था कि उनके ऊपर कितने का लोन था, शी सेड 70,000 रुपये, सिर्फ 70,000 रुपये के लिए हर हस्बैंड हैड कमिटेड सुसाइड। सो वेदर इट इज 70,000, वेदर इट इज 7 lakhs, और इवन इफ इट इज 200 crore, योर लाइफ इज मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आप लोन का भुगतान नहीं कर सकते हैं, गो फॉर ए सेटलमेंट, अगर कभी आप उनका प्रेशर झेल नहीं सके, तो आपको ऐसे किसी कदम को उठाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पिछले 2-3 वीडियोज ऐसे बनाए जिसमें कहीं बैंगलोर के किसी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, ये सारी चीज़ें, दिस इज नॉट नॉट ए वे आउट, ये कोई तरीका नहीं होता है, ये कोई समाधान नहीं है। इसलिए कभी भी ऐसा ख्याल लेकर नहीं आए, अगर आपके ऊपर कर्ज है और अगर आप नहीं चुका पा रहे हैं सपोज कीजिए, तो आप कहीं भी भाग जाइए, गो इन द हाइडिंग, छुप जाइए, अगर आपको डर लगता है तो कहीं भाग जाइए, शहर छोड़ दीजिए, कहीं दूसरी जगह जाकर एक जॉब कीजिए, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने का फैसला कीजिए, बट ये कोई तरीका नहीं है। रिकवरी वाले अगर आप घर आपके घर पर आ रहे हैं तो, और अगर आप बलशाली नहीं है, अगर आप हीरो नहीं है, इफ़ यू आर नॉट अ फाइटर, अगर आप लड़ नहीं सकते हैं, मैं कहता हूँ लड़ना ज़रूरी भी नहीं होता हमेशा, अगर आप लड़ नहीं सकते तो भाग जाइए, और आप कायर हैं ये दुनिया कहेगी, लेकिन आप कायर नहीं हैं, आप कायर नहीं हैं। बात सिर्फ इतनी है कि यू प्रेफर योर पीस, आप अपनी पीस को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, यू प्रेफर, यू गिव प्रेफरेंस टू द सेफ्टी ऑफ योर फैमिली, आप अपने परिवार की सुरक्षा का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए अगर आप मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और अगर आप ये बात किसी को नहीं बताते हैं, यू आर नॉट ए कावर्ड, आप डरपोक इंसान नहीं है। लोगों ने हमारे माइंड को ऐसा बना रखा, तुम तो भाग गए, तुम तो मैदान छोड़कर भाग गए, तुम तो लोगों को खाकर भाग गए, ऐसी बचकानी बातों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सेटलमेंट की कोशिश कीजिए, हो सकता है दीजिए, नहीं हो सकता है उनको केस करने दीजिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप एक इंजेक्शन लॉसूट कर सकते हैं कोर्ट में एक वकील के थ्रू, जहाँ पर आप एक इंटरिम रिलीफ ले सकते हैं कुछ समय के लिए, जहाँ पर आपको क्रेडिटर्स परेशान नहीं करेंगे, और एक आपको टाइम दिया जाएगा, उस अंतराल में आपको कोशिश करनी है पेमेंट करने की। अगर और कुछ भी नहीं होता, अगर आपको लगता है मैं क्या करूँ मैं क्या नहीं करूँ, और लगता है कि भाई अब तो मैं भीतर से रो दूंगा, मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं,
ये है कहीं भी भाग जाइए, जिंदगी से मत भागिए, कहीं भी भाग जाइए। मैं भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं समझ सकता हूँ, बट जिंदगी से भागने से तो कहीं वो ज़्यादा अच्छा भाई। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे बहुत भीतर से आहत करती हैं। इट इज़ कम्प्लीटली ओके इफ यू डोंट हैव एनी फंड्स टू पे बैक। अगर आपके पास पैसे नहीं, इफ यू डोंट हैव एनी मनी, नहीं है, मुझे पता है कि कोई ज़रूरत मदद नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि आपके दोस्त नहीं होंगे, आपके भाई नहीं होंगे, आपके रिश्तेदार नहीं होंगे आपके, लेकिन कोई मदद नहीं करता है। एंड दिस इज द राइट टाइम, ये जानने का ही सही समय है कि कौन आपके अपने हैं। बहुत सारे लोग होते होंगे आपके घर पर, कई बार चाय पीने के लिए आए होंगे, कई बार उन्होंने अपने किसी सेलिब्रेशन में आपको इनवाइट किया होगा। वो एक सोशल सोशलाइज होने का एक तरीका है, बट इट डज नॉट मीन कि वो आपके हितेशी, वो आपके अच्छे दोस्त हैं। क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में काम आए। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इनडीड। और इस तरीके के जो दोस्त होते हैं आज की तारीख में मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इफ़ यू हैव अ गुड फ्रेंड यू आर ब्लेस्ड। और आपका कोई अच्छा दोस्त है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप उनसे मदद लीजिए, वो आपकी मदद करेंगे। आप अपनी हिम्मत पर भी भरोसा रखिए कि आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल फाइट कर सकते हैं, आप दोबारा से एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग, जब तक ऐसा नहीं होता है, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बेकार है, तो एक बार कम से कम आप अपने घर वालों को देखिए, अपने पेरेंट्स को देखिए, अपनी फैमिली को देखिए, और अपने आप को भी अगर आप देखेंगे तो भी आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं ज़्यादा कीमती है। सो डोंट टेक एनी सच एक्सट्रीम स्टेप्स एवर। कभी भी ऐसा आप मत कीजिए। टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर वाइफ, टॉक टू योर हस्बैंड, टॉक टू योर चाइल्ड, टॉक टू एनीवन हु यू आर कंफर्टेबल विथ। लेकिन और अगर कोई नहीं मिलता है ना, टॉक टू मी, मुझसे बात कीजिए। शायद आपको मुझसे बात करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप मेरा ये वीडियो देख लीजिए एंड मैं आपसे बात ही कर तो कर रहा हूँ। तो आपको ऐसा कोई भी एक्स्ट्रीम स्टेप उठाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि पैसा कभी भी आपकी ज़िंदगी से बड़ा नहीं हो सकता है। आप ज़िंदगी से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इतने सारे पैसों के बाद भी अगर आपकी ज़िंदगी चली गई तो वो तो नहीं आ सकती। और कर्जे से हमेशा मुक्त रहिए। कर्जा बहुत बुरी चीज़ है और हमारे समाज में एक कैंसर की तरह है, जिसने समाज के अच्छे अच्छे लोगों को जकड़ रखा है। इस चैनल का मकसद जब मैंने शुरुआत की थी तो यही था कि जितने ज़्यादा लोगों की मैं हेल्प कर सकूँ, जितने ज़्यादा लोगों को मैं एजुकेट कर सकूँ। दिस इज एन एजुकेशनल चैनल। मैं जितने ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर सकूँ कि वो कर्जे से दूर रहे, उतना ज़्यादा अच्छा। जितने हैं आपके पास काफ़ी है। आपको कंपेयर नहीं करना है कि मुझे एक कार खरीदनी है जस्ट बिकॉज माई नेबर हैज़ इट। हो सकता है आपकी इनकम 20,000 या 50,000 की है, लेकिन आपकी नेबर इनकम 5,00,000 रुपए की है। सो डोंट मेक ए कंपैरिजन। और सपोज कीजिए आपकी इनकम 50,000 की है और आपके नेबर की इनकम भी 50,000 की, फिर भी उसके पास एक कार और आपके पास कार नहीं है, तो ध्यान रखिए कि वो जल्दी ही कर्ज के दलदल में फंसने वाला है। आपको अपनी एक कार तब खरीदनी है जब आपको लगता है कि आपके पास उससे कहीं ज़्यादा है और आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं, और वो भी कैश में। जो चीज़ आप कैश में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू, लोन के थ्रू कभी मत लीजिए, क्योंकि आप उधार लेकर उस चीज़ को परचेस कर रहे हैं। एंड दैट आई विल नेवर रेकमेंड। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप ऐसा कीजिए। तो बिल्कुल आपके पास जितना है, मेरे पास एक भाई का फ़ोन आया था, ही सेज ही हैज़ ए गवर्नमेंट जॉब, उनके पास एक बहुत अच्छी सरकारी नौकरी है, बट सम हाउ ही गॉट इन टू द ट्रैप ऑफ दिस डेट। तो उनको ऐसा लगा कि भाई मैं फंस गया हूँ बुरी तरीके से, एंड ही वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, ही वॉन्टेड टू जस्ट गेट आउट ऑफ इट। तो कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, तो आप अपने पैसों को लेकर गलतियां मत कीजिए। जो हो गया वो हो गया है, लेकिन आगे से, अब इसी मोमेंट से आपको अपने पैसों को लेकर गलतियां नहीं करनी है। मेक अ बजट। भले ही इस समय आप कर्ज के दलदल में फंसे हो, लेकिन आप एक बजट तैयार कीजिए। उस बजट के अनुसार एक एक रुपये का हिसाब रखिए, एक एक पैसे का हिसाब रखिए, क्योंकि यही आपको मुक्त करेगा। मे बी नॉट टुडे, मे बी नॉट टुमारो, बट सम टाइम इट विल मेक यू लिबरेटेड। आप एक दिन इस कर्ज के जंजाल से पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। लेकिन यू विल हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। आपको अपने आप में भरोसा रखना पड़ेगा। तो कभी भी अगर आप कर्ज के दलदल में हैं, अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आप फोन पर उनको ब्लॉक कर दीजिए।
ब्लॉक करने के बाद उनकी कॉल्स आनी बंद हो जाएगी, फिर वो घर पर आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो घर पर आने वाले हैं, रेंटेड मकान है तो मकान चेंज कर दीजिए, और रेंटेड मकान अगर नहीं है तो आप अपने मकान को रेंट आउट कर दीजिए, किराए पर दे दीजिए, कहीं और चले जाइए, ज़्यादा नहीं 6-7 महीने के लिए, क्योंकि उसके बाद सेटलमेंट के ऑफर्स आने शुरू हो जाते हैं और रिकवरी वालों का हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, अप टू 80-90% जितना कम हो जाता है। उसके बाद आप फिर सेटलमेंट की बात कर सकते हैं, तब तक आपकी कुछ इनकम भी आती रहेगी जो आपके उधर के रेंट को पे करने में चली जाएगी। और अगर आपको लगता है कि मेरे ऑफिस में आ जाएंगे, मैं तो अपना ऑफिस नहीं छोड़ सकता, तो बिलीव मी, अगर आपने उस ऑफिस में बहुत दिन से काम आप कर रहे हैं, चेंज योर जॉब, क्योंकि जब आप जॉब चेंज करते हैं तो आपको 30% तक का इंक्रीमेंट मिलता है। अगर आप कॉरपोरेट में हैं तो लगभग 30% का आपको इंक्रीमेंट मिलता है व्हेन यू स्विच योर जॉब। तो आप जाइए, जॉब को स्विच करने की कोशिश कीजिए, हो सकता है आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले। और अगर ऐसा नहीं भी है दोस्त, डोंट बी अफ्रेड, डोंट थिंक कि मैं क्या करूँ, भाई चाय का ठेला लगा लो, चाय बनाना तो हर किसी को आता है ना, आपके पड़ोसी क्या कहेंगे, आपके रिश्तेदार क्या कहेंगे, छोड़ दीजिए सारी बातें, इज्जत, इज्जत, कोई इज्जत नहीं है आपकी। आप 1 लाख कमाते हैं, 10 लाख कमाते हैं, 1 करोड़ कमाते हैं, आपकी कोई इज्जत नहीं है। जो आपकी इज्जत करते हो झूठी इज्जत करते हो, आपकी नहीं, आपके पैसों की इज्जत करते हैं। आपको आपके अपने पैसों की इज्जत नहीं करवानी है, आपको इज्जत अपनी खुद की करवानी है। देखिए महात्मा गांधी को देखिए, इज्जत उनकी है, इज्जत उनकी है, उनके पास क्या था दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, वो खुद क्या थे उस चीज़ की इज्जत। सुभाष चंद्र बोस को देखिए, कभी किसी ने नहीं कहा कि वो तो करोड़पति इंसान थे, इज्जत उनकी है, इज्जत आपको अपनी खुद की करवानी है। आप अपनी नज़र में नहीं गिरे वो ज़्यादा ज़रूरी है, पड़ोसी तो वैसे भी कोई काम नहीं आते, वो ये तो कह सकते कि भाई तुम क्या कर रहे हो, चाय बेच रहे हो, यही कहेंगे भाई चाय बेच रहे हो, लेकिन वो ये तो नहीं कहेंगे कि तुम्हारे ऊपर कर्जा है, चाय मत बेचो भाई, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये लो पैसे, कर्जा उतार दो। Nobody is going to come to your rescue. This is your life and you have to fight. इसलिए मेरा यही कहना है कि कभी भी जिंदगी से हारने की जरूरत नहीं है दोस्त। अगर आपको कोई जॉब नहीं मिलता, अगर आपको लगता है कि मैं जॉब नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं कहने का इंटरव्यू दिया वो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मेरे ऊपर प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एक रूम के भीतर सारा मकान सारा सामान रखकर लॉक कर दीजिए, जाइए कहीं भी 2-4-10 किलोमीटर कहीं भी आगे, वहीं रेंटेड मकान लीजिए, चाय की दुकान लगाइए, क्योंकि हमारे यहाँ MBA भी चाय बेचते हैं, पानी पूरी का ठेला लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर BTech पानी पूरी वाली, आप तो फिर भी हो सकता वाले हों, लेकिन लड़कियाँ भी इतनी कम से कम साहसी हो चुकी है आज की सोसाइटी में, आज की हमारी नई जनरेशन में, कि कम से कम वो पानी पूरी, वो तो खैर दिल्ली की बात है BTech पानी पूरी वाली, लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं, ऐसी गर्ल्स हैं, एंड आई वुड कॉल देम द रियल हीरोइंस। तो क्या है कि आप भी लगा सकते हैं, डोंट बी अफ्रेड कि आपका दोस्त क्या कहेगा, दोस्त रिश्तेदार ऐसी बातों में बिल्कुल आप मत फंसिए। आप पानी पूरी का ठेला लगा लीजिए, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ऑटो चलाना जानते हैं तो ऑटो चला लीजिए भाई, ध्यान रखिए, या आप जो भी करेंगे टेम्प्ररी है, सारी ज़िंदगी आपको ऑटो या चलाना है या चाय की दुकान ही चलानी है, ऐसा नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि मैं जॉब नहीं छोड़ सकता, एक कदम आगे बढ़ा कर तो देखिए, और वैसे इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई देखो मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, हर इंसान एक जैसा बना हुआ नहीं होता, कोई बहुत अधिक साहसी भी होता है तो कोई दिल का कमज़ोर भी होता है, कोई दिल का बहुत ज़्यादा मजबूत भी होता है, उसके सामने किसी को मार भी दो तो उसकी आंखें छलकती नहीं है, कुछ ऐसे भी होते हैं कि अगर कहीं कोई मुर्गी जैसे होती है ना, जहाँ पर आप चिकन खाते हो, वहाँ पर किसी मुर्गी या मुर्गे, बिकॉज आई एम नॉट ए नॉन वेज, तो मुझे आइडिया नहीं कि मुर्गा कटता है कि मुर्गी कटती है, लेकिन जो भी है उसको कटता हुआ देखकर भी लोगों की आंखें छलक जाती है, कुछ लोगों का दिल ऐसा भी होता है। सो वी आर नॉट सेम, हम सब एक जैसे नहीं होते। तो अगर कोई आपसे कहता तुम तो डरपोक भाग गए, बोलने दो उनको यार, बोलने दो, लेट्स बी प्रैक्टिकल। वो जो आपसे कह रहा है ना कि तुम तो डरपोक हो भाग गए, अगर उसे किसी 4 लोगों ने पकड़ लिया ना, तो उसकी सारी बहादुरी धरी की धरी रह जाएगी। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ यू रनिंग अवे, लेकिन अगर ऐसी स्थिति है कि आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे मेरी जिंदगी से ही भागना पड़ेगा, तो जिंदगी से नहीं, आप जहां रहते आप वहां से भाग जाइए। आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल मैन, मैं थ्योरीज में यकीन नहीं करता,
जो सामने जैसी स्थिति है आप उसको फाइट कीजिए। तो फोन आते हैं तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं, रेंटेड मकान है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, खुद का मकान है तो आप उसे रेंट आउट करके जा सकते हैं, नहीं अगर कोई मिल रहा है तो आप उसको लॉक करके जा सकते हैं। नोबडी हैज एनी क्या कह सकते हैं राइट कि भाई वो आपके घर के भीतर लॉक को तोड़ कर घुस जाए, सो डोंट वरी, आप उसको लॉक करके जा सकते हैं। अगर आपको जॉब की चिंता है तो यू कैन स्विच योर जॉब, डोंट टेल एनीबडी वेयर यूर गोइंग। और अगर कोई काम नहीं मिलता है तो आप एक ठेला लगा लीजिए, आपकी इनकम हो सकता है उतनी अधिक न हो पहले की जितनी, लेकिन जितनी होगी उतने में कम से कम आप, क्योंकि आजकल बहुत ही छोटी फैमिली होती है तो आप शायद उनको पाल सकते हैं कुछ समय के लिए, 8-10 महीने साल भर निकलने दीजिए, और उसके बाद फिर जब आपके थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे होने लग जाए देन आप के ऊपर उतना प्रेशर भी नहीं रहेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि वो रिकवरी वाले बहुत कम कॉल करते हैं, बहुत कम विजिट करते हैं, तो धीरे 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 सब कुछ सही हो जाएगा, एवरीथिंग विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। डोंट वरी बिकॉज वरी लीड्स यू नोवेयर, चिंता करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। चलिए उम्मीद करता हूं दोस्त कि मेरा मैसेज लाउड एंड क्लियर है, लाइक ऑलवेज, कभी भी हार नहीं मानना है। एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि अगर आपका ट्विटर अकाउंट है तो पर्सनल फाइनेंस की टिप्स के लिए, रिकवरी एजेंट्स के हैरेसमेंट को कैसे टाल सकते हैं, आपके राइट्स, आरबीआई की गाइडलाइंस, इन सब के लिए रोज में एक ट्वीट करता हूं। सो अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट है तो फॉलो मी ऑन ट्विटर @GoDebtFreeNow। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल, अगर आपके पास आपको कुछ भी पूछना है तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डाल दीजिए और एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई। कई लोग मुझे बोलते हैं कि भाई मेरे क्वेश्चन का आप जवाब नहीं दे पा रहे। दोस्तों मैं अभी इस समय थोड़ा ज़्यादा ही बिजी हूँ, लेकिन अगर आप मेरे ऑलरेडी एक प्राइम मेंबर हैं, नॉट ए सब्सक्राइबर, इफ़ यू आर ए मेंबर ऑन सिंप्लिसिटी एंड फाइनेंस, तो बिल्कुल मैं आपको एक प्रायोरिटी रिस्पॉन्स दे ही देता हूँ, जो भले मैं कितना भी बिजी हूँ। बाकी इतने सारे कॉमेंट्स आते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कॉमेंट। पहले जब सब्सक्राइबर्स थोड़े कम थे, कॉमेंट्स थोड़े कम थे, तो मैं इंडिविजुअली में एक एक का रिप्लाई करता था। अभी भी कोशिश करता हूँ बट कई बार नहीं हो पाता है, तो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। तो ऐसा नहीं हो पाता है तो आप उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। मैंने एक मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, दैट इज़ अ पेड सर्विस। इफ़ यूर वॉचिंग विद दिस वीडियो, दैट इज़ अ पेड सर्विस। लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं, आप तो ठग रहे हैं, लोगों ने इसे धंधा बना रखा है। ओके फाइन, तो आपको पैसे नहीं लेने चाहिए। लेकिन होता क्या दोस्तों कि जो ये बात मुझे कहता है कि मुझे पैसे नहीं लेने चाहिए, आई एम डैट श्योर कि भाई वो जो भी काम कर रहे होंगे वो पैसे लेते होंगे। एक ऐसे किसी भाई का मेरे पास मैसेज आया था कि भाई आप तो पैसे लेते, आप तो ठगते हैं बेकार में, आपने तो इसे धंधा बना रखा है। तो पहली तो बात है कि दिस इज ऑप्शनल, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि उस भाई को मैंने पूछा आप क्या करते हो, बोलते हैं कि मेरे पैन कार्ड की दुकान में मैं पैन कार्ड बनाता हूँ, मैं आधार कार्ड बनाता हूँ, मैं ये बनाता हूँ, मैं वो बनाता हूँ। और मैंने उनसे ही कहा क्या आप पैसे लेते हैं, हाँ मैं तो लेता हूँ। तो भाई वही बात है कि अगर मैं पर्सनल आप किसी को टाइम दे रहा हूँ तो मैं भी उस टाइम के पैसे चार्ज करता हूँ। तो इस तरह की बातें प्लीज़ आप बिल्कुल मत कहिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं आपको फोर्स नहीं करता मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए। ये उन लोगों के लिए है जो इस तरीके की बातें करते हैं, मैं फोर्स आपको बिल्कुल नहीं करता, दिस इज ऑप्शनल अगर आप चाहते हैं तो। कई लोगों ने मुझसे ऐसी बातें की है फ़ोन पर एंड दे पेड मी, और फिर उनके बाद उन्होंने कहा कि शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट यही था कि मैंने आपसे बात की थी, आई गेव यू द फी, कंसल्टेशन फी, लेकिन अब मुझे रिग्रेट नहीं है बिकॉज आई एम सेफ। तो इस तरह की बातें सुनकर दिल थोड़ा सा आहत होता है। ये कोई धंधा नहीं है दोस्त, ये एक चैनल आपको एजुकेट करने के लिए। और अगर मैं पर्सनल टाइम देता हूँ, बिकॉज माई मिल्क इज़ नॉट फ्री, माई चाइल्ड्स एजुकेशन इज नॉट फ्री, और एक बात बता दूँ कि कई बार मैं फ्री भी दे देता हूँ, हो सकता है इसके बाद मेरे पास बहुत सारे लोग फ्री के लिए रिक्वेस्ट कर दें, लेकिन वो मैं फ्री बहुत ही एक्सेप्शनल तौर पे देता हूँ। जैसे किसी बच्चे ने कहा कि सर आई एम जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड एंड माय फादर इज़ नो मोर, उनका एक क्रेडिट कार्ड था, अब
हम चुका नहीं पा रहे हैं सर, मैं 9th में पढ़ता हूँ, मैं 10th में पढ़ता हूँ, मैं क्या करूँ सर। हालांकि मैं उनसे कोई प्रूफ नहीं मांगता इस चीज़ का, लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि वो जो भी सच ही बोल रहा है। तो मैं कहता हूँ ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब ये जानकारी मैंने दे दी वीडियो पर, इसको आप मिस यूज मत कीजिएगा, आप इसका एक नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। इफ़ समबडी इज़ रियली इन ट्रबल, आई मे ऑफर फ्री एडवाइस, फ्री कंसल्टेशन, अदरवाइज आई डोंट गिव इट फॉर फ्री, बिकॉज आई डोंट गेट एनीथिंग फॉर फ्री एंड यू डोंट ऑफर एनीथिंग फॉर फ्री। आपकी दुकान है, आप फ्री में कुछ बेचते नहीं हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप फ्री में कुछ करते नहीं, आप कहीं जॉब कर रहे कॉर्पोरेट में, डोंट डू इट फॉर फ्री, डोंट एक्सपेक्ट मी टू ऑफर यू इट फॉर फ्री। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए, मैं उनको बता दूँ किस तरह के वीडियोज मैं बनाता रहता हूँ। तो इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लीव योर कॉमेंट। और अगर ऑलरेडी अगर आप एक सब्सक्राइबर हैं तो भी आप कमेंट छोड़िए, लेकिन अगर आप पहली बार आए तो बेल बटन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएगी। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।